हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस डेली करंट अफेयर एमसीक्यू ऑफ 9th अगस्त। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मानक आम करंट अफेयर सीरीज भल लगुच निश्चित भाव में भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और जदि चैनल को नुआ निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ। तेज चलो देखा आज कौन सब क्वेश्चन रही। आज फर्स्ट क्वेश्चन होगी, हु हैज लॉन्च्ड ई रूपी डिजिटल पेमेंट सल्यूशन। तो ई रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सल्यूशन जो बहुत न्यूज अच्छी, तो यहाँ को रिसेंटली लॉन्च करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ मुख्यतः गोटे कौन जी सब गवर्नमेंट रो स्कीम अच्छे जहाद्वारा कि लोक मैं सब बेनिफिट दिहाँ अकाउंट जो टंका पठा हो, तो सहीटा बदल में कौन कराव ना ई रूपी डिजिटल पेमेंट सल्यूशन व्यवहार कराव जहाद्वारा कौन हम ना आपण जो मोबाइल अच्छी गोटे बार जो स्कैन क्यूआर कोड से कोड गोटे जा जो मान स्मार्टफोन नाई से गोटे मेसेज जी, तो से मेसेज जरिए कौन करेंगे से गोटे कूपन से क्यूआर कोड बा मेसेजा, तो से कूपन जरिए आपको जो बेनिफिट बा जो स्कीम अधीन गवर्नमेंट से कूपन टा दिखाई थोड़ा केवल आप से पर्पोज्रे ही व्यवहार करेंगे। तो आप टाँग कि जीवन गोटे कूपन जीओ, तो आप जो जो पर्पोज पर जो योजना आपको से कूपन दिखाई थी केवल आप पर्पोज्रे ही व्यवहार करेंगे। जो अं पर्पोज्रे टा दिखाई लोक गोटे पर्पोज पर दिखाई था से पर्पोज्रे व्यवहार कर दूसरी दे, तो सरकार स्कीम रे किसी फायदा रोनी से जो ई रूपी डिजिटल पेमेंट सल्यूशन रिसेंटली लॉन्च कर पीएम मोदी एटा को डेवलप कर किए ना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। तो ये हूँ जो जितकी भी सब आम ऑनलाइन पेमेंट हो इंडिया सबूक ये आका कंट्रोल कर, तो ये डेवलप कर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आउ आमर हेल्थ मिनिस्ट्री ए सब कोलाबरेट मिसिकी एटा को डेवलप कराई से मन रखिए। अमित शाह होती आम होम मिनिस्टर, ता सहित मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो नुआ रही तार मिनिस्टर अच्छा अमित शाह। नितिन गडकरी होंगे रोड एंड हाइवे मिनिस्टर। अनुराग सिंह ठाकुर ये आमर यंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अच्छा, ता सहित इनफर्मेसन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अच्छा। हु हैज स्टेप्ड डाउन एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वीआई बोर्ड। वीआई बोर्ड माने वोडाफोन आइडिया जो अच्छी एटा 2018 कोलाबरेट हो जाता वीआईएल बोली कहु वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। तो आर रिसेंटली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भाव के अर्थात ओहरी जाइए पदवी, तो नाम हो कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला तो ये बिरलार अच्छा चीफ अच्छा बिरला ग्रुप आदित्य बिरला ग्रुप कौचे। तो ये जो वीआई बोर्ड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे ये भी रिजाइन देदे कौन सी कारण आंक जगह ए हिमांशु कापानिया ये है तार चेयरमैन वीआई चेयरमैन ये होती। आमती वीआई सीईओ वर्तमान किए अच्छा, तो सीईओ अच्छा आमर रविंदर ठाकर अच्छा यार सीईओ वोडाफोन वीआई बोर्ड रेमती मन रखिए। गुंजन शाह ये आमर इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड अच्छी, तो तार प्रेसिडेंट भाव अपॉइंट होती गुंजन शाह। सॉरी गुंजन शाह भूल कहीदी, गुंजन शाह होती आमर बाटा इंडिया। बाटा मान जो इंटरनेशनल गोटे कंपानी सू कंपानी, तो तार इंडिया तरफ इंडिया बाटार गुंजन शाह को सीईओ भाव अपॉइंट कराई। सेमती जगजित पाभाड़िया ये होंगे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड रो प्रेसिडेंट होती रिसेंटली। हुई कंट्री हेज ओन गोल्ड मेडल इन मेन्स फुटबॉल एट टोक्यो ओलंपिक। तो टोक्यो ओलंपिक सरची 23 जुलाई आरंभ होता एवं 8 अगस्त सरीगला आउ 8 अगस्त सरला। तो जो फुटबॉल गोटे इंपोर्टेंट इवेंट, तो फुटबॉल रे गोल्ड मेडल किए जीति, तो मन रखिए ब्राजिल जीति फुटबॉल रे गोल्ड जीति, आउ स्पेन जीति सिल्वर, मेक्सिको जीति ब्रोंज मेडल। सेमती ओमेन्स कैटेगोरी अच्छी, तो ओमेन्स कैटेगोरी गोल्ड किए जीति तो कानाडा जीति। ओमेन्स जो फुटबॉल अच्छी तेरे गोल्ड जीति कानाडा, आउ सिल्वर किए जीति स्वीडन जीति सिल्वर, यूएसए जीति ब्रोंज जीति फुटबॉल रे ओमेन्स रो। सेमती मन रखिए जो 8 अगस्त सर थिला, तो आमर फ्लाग बियरर इंडिया तरफ किए थे ये थे बजरंग पुनिया थे जेकि ब्रोंज मेडल जीति रेसलिंग रे। व्हिच स्टेट्स सीएम हैज अनाउंस्ड एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड। तो
एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड एटा मुख्य रिसेंटली केरला गवर्नमेंट सीएम तार पिनराई विजयन अनाउंस करते एटा मुख्यतः कौन व्यवहार करा गोटे इनिशिएटिव अच्छी जहाँ ना हूँ विद्या किरणम को गोटे इनिशिएटिव अच्छी केरला गवर्नमेंट रो तो स्टैंडर्ड रे जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट फंड कराँच और यहाँ द्वारा कौन हो पार ना तर जी भी स्टेट स्टूडेंट अच्छे से डिजिटल स्टडी हायर स्टडी पे सब जमी लैपटॉप नोट्स पेन से सब जगह डिजिटली कि भल भाव पढ़ीपर सब जोगाई दीजिए फंड रु आमी तार पूर्व केरला गवर्नमेंट डाइजेस्टर मैनेजमेंट फंड गोटे कर डाइजेस्टर जी सो नेचुरल डाइजेस्टर होती मैनेजमेंट फंड गोटे रिसेंटली करला गवर्नमेंट रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम लॉन्च कर मैंने जोड़ा कि आमर डाइजेस्टर मैनेजमेंट तो सब जगह केरला पिंक इन प्रोजेक्ट लॉन्च कर रिसेंटली केरला गवर्नमेंट तो सब जगह मन रखिए केरलार सीएम पिनराई विजयन गवर्नर होती आरिफ मोहम्मद खान सेमती एमपी विषय गोटे इम्पोर्टाट मन रखी मध्यप्रदेश में रिसेंटली जो सीएम थे सीए दीटा सिटी रे मध्यप्रदेश इंडिया रो पूरा फास्ट म्यूकोर माइकोसिस यूनिट मध्यप्रदेश म्यूकोर माइकोसिस मैंने कौन जो ब्लैक फंगस बाहर अभी तो यूनिट कराई चिकित्सा कराइप आउ इंडिया फास्ट यूनिट हो म्यूकोर माइसिस मध्यप्रदेश दुईटा सिटी में गोटे हूँ भोपाल आ गोटे हूँ जबलपुर ए दुईटा मध्यप्रदेश रही हू ओवरटेक जेफ बेजोस टू बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एज पर फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट इन अगस्त सिक्स जो फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट लिस्ट अच्छे तार ताइर किए टॉप है सब वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन जी जेफ बेजोस थी टपे नाम हूँ बर्नार्ड आर्नल्ट फैमिली जो ग्रुप अच्छी तो ये पर वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन ही रिसेंटली टपे कारण जेफ बेजोस शेयर वैल्यू मैंने बहुत ड्रॉप होता आउ बर्नार्ड आर्नल्ट ये हूँ गोटे लग्जरी जो ब्रांड अच्छे आरामदायक जैसे जिनपत सब अच्छे घर तो इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड अच्छी एल बी एम एच मोट हेनेस कह तो मन रही एल बी एम एच कंपानी आगे लग्जरी ब्रांड कंपानी तो लग्जरी सामान सब या तो आंकर जो चीफ अच्छे चेयरमैन अच्छा बर्नार्ड आर्नल्ट तो ये पूरा वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन होती एलन मस्क स्पेस एक्स बिल गेट्स तो जानते माइक्रोसॉफ्ट मार्क जुकरबर्ग होती फेसबुक चेयरपर्सन व्हाट विल बी द इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड बाय आरबीआई फॉर फाइनेंशियल 2021-22 तो 2021-22 जो आर्थिक वर्ष अच्छे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया जीडीपी प्रोजेक्शन कर 9.5% रही बोली कही तो आंसर हम 9.5% 2021-22 आरबीआई प्रोजेक्शन कर आईएमएफ रिसेंटली प्रोजेक्शन कर आईएमएफ प्रोजेक्शन के 9.5% ही रही इंडिया 2021-22 किंतु 2022 जो 23 अच्छे तो सहीटापी के 8.5 रही बोली कही आईएमएफ सेमती वर्ल्ड बैंक रिसेंटली कही वर्ल्ड बैंक कौन कही ना इंडिया फाइनेंशियल 2021-22 के 8.3% ग्रोथ रही है और 2022-23 के 7.5% रही बोली वर्ल्ड बैंक कही रिसेंटली चीफ कोच ऑफ वुमेन्स हॉकी टीम स्टेप्ड डाउन हु अच्छी तो वुमेन्स हॉकी टीम जोड़ा कि रिसेंटली जो आम फोर्थ स्थान रहा ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल हारीगला तो तार जे चीफ कोच थे सी एवं मैंने रिजाइन दे मैंने कोच पदवी ओहरी चीफ कोच पदवीर तो ना कौन थी तो सी हूँ सर्जियोड मारिजने होती वुमेन्स हॉकी टीम चीफ कोच थे आ ये डच नेदरलैंड कंट्री रे जो पूर्वतन थे हॉकी प्लेयर तो ये चीफ कोच थे एवं जी ओहरी आईमती मन रखिए आमर मेन्स जो हॉकी टीम से ब्रोंज जीतिला तो तार कोच इम्पोर्टाट रोकर कोच ना हूँ ग्राहम रेड जी कि ऑस्ट्रेलिया सी अच्छा मेन्स हॉकी टीम चीफ कोच
ସେମିତି ରମେଶ ପାୱାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓମେନ୍ସ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଛି, ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଅଛି ତା'ର ଚିଫ୍ କୋଚ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ପାୱାର। ଆଉ ରଣବୀର ସିଂ ଖୋକାର, ରଣବୀର ସିଂ ଖୋକାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଟର କବାଡ଼ିର ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ କବାଡ଼ି ଅଛି ତା'ର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ରଣବୀର ସିଂ ଖୋକାର। ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ମାକାଲାଇ ଥେଡ଼ି ମାରୁଥୁଭମ୍ ଏ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍କିମ୍। ତ ମାକାଲାଇ ଥେଡ଼ି ମାରୁଥୁଭମ୍ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସ୍କିମ୍, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛି ଦରକାର ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ବା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆହେବ। ତ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ସିଏମ୍ କି ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବନୱାରିଲାଲ ପୁରୋହିତ, ତ ସିଏ ଏଇଟାକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ମାକାଲାଇ ଥେଡ଼ି ମାରୁଥିବ। ସେମିତି ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଠା ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସହିତ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମନେ ରଖିବେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତ ଇଏ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁଟାକି 100% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜ୍ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେ ଅର୍ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଡେ? ତ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଡେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହେଉଛି ନା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ, ବା ସେଇଟାକୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଡେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1942 ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ସେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟେ ମଇଦାନ, ସେ ମଇଦାନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବି, ଗୋଆଲିଆ ଟାଙ୍କ ମଇଦାନ, ଗୋଆଲିଆ ଟାଙ୍କ ମଇଦାନ। ତ ଏ ମଇଦାନରୁ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା, ସେଇଟାକୁ ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ମଇଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଆଲିଆ ଟାଙ୍କ ମଇଦାନ ଯେଉଁଟା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଆମର କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆର 79th ଆନିଭର୍ସରୀ, 1942 ହେଇଥିଲା ଏବେ 2022, ତ 79th ଆନିଭର୍ସରୀ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା କେଉଁଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାର୍ଦ୍ଧା କନଫରେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ୱାର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଦ୍ଧା କନଫରେନ୍ସ, ସେଇଠି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟରେ? ତ ଲର୍ଡ ଲିନ୍ଲିଥଗୋ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରସ୍ଡ 1,000,000 କଷ୍ଟମର ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ? ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ 1,000,000 କଷ୍ଟମର ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଛି? ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା'ର ଆମର ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ହିଁ ତା'ର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର 1,000,000 ଅର୍ଥ 1,000,000 କଷ୍ଟମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର। ତ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର MD CEO କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅମିତାଭ ଚୌଧୁରୀ, ଇଏ ଏବେ ରିଆପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ବକ୍ସି, HDFCର ଶଶିଧର ଜଗଦୀଶନ, ଆଉ SBIର ଅଛନ୍ତି ଦିନେଶ କୁମାର ଖାରା। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ICICIର କେଉଁଠି ଅଛି? ଭଦୋଦରା ଗୁଜୁରାଟରେ, ହେଡ଼ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଭଦୋଦରା ଗୁଜୁରାଟରେ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।